महात्मा कैसे किस हिसाब से कहा जाता है, वो भी तो जन्म मरण में आता है, पुराने पहले जन्म का भी संस्कार लेके आती आता, तो उसको कैसे महात्मा कहा जाता है? स्टूडेंट बाबा, on what basis is a small child called Mahatma? That is a great soul. He too comes in the cycle of birth and death. He also brings the sanskars of the old past birth with him. So, how will he be called a Mahatma? क्योंकि विकारों का वासना उसके अंदर नहीं रहती है मन में. बाबा, it is because he doesn't have vicious feelings in the mind. इसलिए जन्म के तो कुछ संस्कार उसमें. वो सारे संस्कार हैं, लेकिन विकार नहीं है. खास करके काम विकार नहीं है. स्टूडेंट, देर आर सर्टनली सम संस्कार्स ऑफ द पास्ट बर्थ इन हिम. बाबा, ही हैज ऑल द संस्कार्स, बट ही डजंट हैव वाइस, एस्पेशली देर इज नो वाइस ऑफ लस्ट इन हिम. विकारों में काम विकार है मुख्य. द वाइस ऑफ लस्ट इज द मेन वाइस अमंग ऑल द वाइसेस. वो विकार बच्चे में नहीं है. दैट वाइस इज इन प्रेजेंट इन अ चाइल्ड. इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है. This is why a child is called a Mahatma. ये साधु संत महात्मा है, फिर भी उनके अंदर कुछ न कुछ विकारी भावनाएं आती हैं. The vicious feelings are certainly present in these sages and saints too, to some extent. भले घर बार छोड़ दिया हो, बचपन से ही क्यों न छोड़ दिया हो. Although they must have left the household, they must have left it in the childhood itself. तो भी जब नौजवान होते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार उनके अंदर मन में काम करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो विकारी वासना काम ही नहीं करती. Yet when their youth begins, the संस्कार्स ऑफ द पास्ट बर्थ स्टार्ट वर्किंग इन देम, इन देयर माइंड, बट दैट विशेस फीलिंग डजंट वर्क इन अ चाइल्ड एट ऑल. इसलिए बच्चा महात्मा है. दिस इज वाई अ चाइल्ड इज अ महात्मा.